नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। डोईवाला गन्ना मिल में फरार चल रहे इनामी अभियुक्त हरवीर सिंह को पुलिस टीम ने नेपाली फार्म तिराहे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि मुख्य अभियुक्त हरवीर सिंह शुगर मिल डोईवाला से पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस टीम लगातार तलाश करने में लगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नेपाली तिराहे से उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। हरवीर सिंह मिल में गन्ना टोल पर्ची व बुक जारी करने का काम किया करता था। गन्ना पेराई में हुए घोटाले में इसकी भूमिका सामने आई। मामले में एक अभियुक्त को इससे पहले गिरफ्तार कर लिया था और एक अभियुक्त की मौत हो चुकी थी। फरार चल रहे अभियुक्त हरवीर को भी पुलिस टीम ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। देखिए, ये शुगर मिल का प्रकरण था जिसमें कि किसानों के पैसे नहीं दिए गए थे, गन्ना उनसे डुलवाया गया था और उसके उपरांत पैसे नहीं दिए गए थे और उन पैसों का गबन कर लिया गया था। उसी संदर्भ में शासन द्वारा एक SIT गठित की गई थी और वो SIT इसमें कार्य कर रही थी। इसमें मुकदमा दर्ज कर विवेचना जब की गई तो एक को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु एक हरवीर जो कि 2500 का इनामी भी था, वो जो है वांछित चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसको यहाँ नेपाली फार्म से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये सामने आया है कि लगभग 40 लाख रुपए का घोटाला उसने किया था। अब इसको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर इससे और पूछताछ की जाएगी और लोग जो इसके साथ इन्वॉल्व थे उनके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली में एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती ने अपने परिवार के साथ कोतवाली पहुंचकर गांव के ही दो युवकों पर तमंचे के बल पर बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कितने लड़के थे, क्या हुआ है, क्या कुछ जबरदस्ती या कोई तमंचा होना चाहिए, क्या फिर आपने पुलिस को दर्ज दी, पुलिस को दी है सर, पुलिस को दी है तेरी, पुलिस को दर्ज सूचना आपने, क्या कर रही है पुलिस, जांच कर रही है, क्या चाहते हैं आप? लड़की के दो लड़कों ने बलात्कार किया जी। आपने पुलिस को तहरीर दे दी? तहरीर दे दी जी, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। कब की घटना है? 5 तारीख की है जी। क्या चाहते हैं आप? हमें फैसला चाहिए, सजा चाहो से लड़के को, इंसाफ मिलेगी। ये एक FIR मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बुढ़ाना में, जिसमें एक माइनर के साथ रेप का मामला आया है और FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें एक आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो माइनर है इसे मेडिकल के लिए भेज दिया गया है तथा इसका 164 का बयान कराया जाएगा अति शीघ्र। ये FIR में ये अंकित किया गया है, बहरहाल उसमें भी कार्रवाई की जा रही है, जो भी जिसने भी ऐसी हरकत की है उसकी भी पूरी जानकारी निकाल करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा। 376 है, बाकी जो फोर्सफुल उसके साथ किया गया है वो। उपलब्धियों के पिटारे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित देश की तीनों सेना जनरल से मिले सम्मान के अलावा राज्य स्तर पर 12 स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 7 मेडल। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के लाल युवा लभांशु पहलवान की। देश के लिए ओलंपिक के कुश्ती इवेंट में स्वर्ण पदक जीत का सपना संजोने वाला युवा बाहुबली पहलवान लभांशु यूरोप के जॉर्जिया में 20 टन वजनी ट्रक को खींचकर इतिहास रचने की वजह से इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस अनोखे कारनामे के चलते उसका शुमार एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति के रूप में हो गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल कर दिखाई। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं, इस कहावत को पूरी तरह से सच साबित कर दिखाया है तीर्थ नगरी के लभांशु पहलवान ने। आपको बता दें कि लभांशु के पिता सुरेश भी नामचीन पहलवान रहे हैं। लभांशु को पहलवानी की विरासत घर से ही मिली। 12 वर्ष से शुरू हुआ उसका पहलवानी का सफर कब जुनून और फिर उसकी दुनिया बन गया उसे खुद पता नहीं चला।
लाभांशु पिछले वर्ष एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों में आया जब श्रीलंका में आयोजित स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स के फाइनल में उसने पाकिस्तान के पहलवान रिजवान को धूल चटाकर देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम भी श्रीलंका के दौरे पर थी। लाभांशु की उपलब्धि पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने लाभांशु से मिलकर उसकी पीठ थपथपाई थी। दिल्ली में 150 साल पुराने नौशेरा दंगल में सबसे कम उम्र में लगातार 9 कुश्तियां जीतकर खिताब हासिल कर चुके लाभांशु ने बताया कि उसका गोल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देशवासियों को उत्तराखंड की ओर से नायाब तोहफा देने का है, जिसके लिए वह शिद्दत से अखाड़े में पसीना बहा रहा है। आने वाले वर्षों में वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। कुश्ती जब मैं 12 साल का था मैंने जब से शुरू करी थी। मेरे पिता कुश्ती के पहलवान थे और सेना में वो पहलवानी करते थे भारतीय सेना में। तो जब से ही मुझे कुश्ती का शौक चढ़ा और मैंने धीरे धीरे मैं अखाड़े जाने लगा और वहाँ से मेरे को कुश्ती का शौक लगा और मैंने उत्तराखंड राज्य स्तर पर 12 स्वर्ण पदक जीते और राष्ट्रीय स्तर पर 7 पदक जीते और पिछले साल नेशनल स्कूल गेम्स सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता मैंने 120 केजी में दिल्ली में जो आयोजित हुआ था। जब से उत्तराखंड बना है 16 साल से वो उत्तराखंड स्टेट को पहला गोल्ड मेडल उत्तराखंड ने जीता था और उसके बाद मैंने इंडो नेपाल इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में नेपाल आर्मी के पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता फाइनल में। फिर उसके बाद मेरा चयन स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स श्रीलंका के लिए हुआ जहां पर मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान के पहलवान मोहम्मद रिजवान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल देश के लिए जीता। और अभी हाल ही में जॉर्जिया में 20 टन वजनी ट्रक को मैंने रस्सी से कमर पर बांधकर खींचा जो एशिया का अब तक रिकॉर्ड है। मैं एशिया का फर्स्ट पर्सन बना हूँ जिसने 20 टन वजनी ट्रक को खींचा है और मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व तीनों सेनाओं जनरल के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से सम्मानित हूँ। मुझे नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, उत्तराखंड रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय निर्माण अवार्ड, दिल्ली में प्रेजिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फर्स्ट अवार्ड और देवभूमि उत्तराखंड आइडल अवार्ड, माँ भारती अवार्ड आदि से नवाजा जा चुका है। वह दिल्ली में 150 साल पुराने कुश्ती दंगल नौशेरवा में मैंने 9 कुश्तियाँ लगातार जीतकर सबसे कम उम्र में नौशेरवा बनने का गौरव प्राप्त किया। बीते दिनों कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव जंधेड़ी में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश शाबिर के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही अंकित तोमर के परिवार को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप और शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मांग को लेकर कांधला नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम और छात्र नेता कामिल सैफी ने पूर्वी यमुना नहर में खड़े होकर राज्य सरकार से 6 सूत्रीय मुआवजों की मांग की। पुलिस ने ज्ञापन लेकर राज्य सरकार को 3 दिन के अंदर भेजने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने के बाद पूर्व चेयरमैन अपने समर्थकों के साथ यमुना नहर से बाहर निकले। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। भाई अंकित तोमर जी शहीद हुए थे, हाँ। उनको सरकार ने 50 लाख रुपए दिए जी, उसके लिए तो सरकार का स्वागत है लेकिन 50 लाख रुपए कम है। शहीद सिपाही को परिजनों को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, हाँ। सरकार की तरफ से, हाँ। और एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलनी चाहिए, हाँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो विभाग है, हाँ। तमाम पुलिस की जो वेतन है उसको सरकार 1.5 गुना करे, अच्छा। क्योंकि पुलिस का जो कार्य है, हाँ। उस कार्य की बदौलत जो पुलिस घूम फिर कर बदमाशों को खिलाफ कार्रवाई करती है, बदमाशों के खिलाफ, उसी की वजह से हम लोग जनता के लोग रात को चैन की नींद सोते हैं। कांधला के पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम, उनकी मांगे थी कि शहीद अंकित तोमर के परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। दूसरी मांग थी कि शहीद अंकित तोमर के परिजनों को 1 पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी जाए। तीसरी मांग थी यूपी पुलिस का वेतन 1.5 गुना किया जाए। चौथी मांग थी कि यूपी पुलिस संवेदन थानों में कमांडो ट्रेनिंग सुधा तैनात किए जाएं। पांचवी मांग थी यूपी पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए। और छठी मांग थी कि ये कांधला का जो छोटी नहर का पुल है ये छोटा है, इस पर हमेशा जाम लगा रहता है, इसको बड़ा किया जाए। इसलिए वे आज सुबह छोटी नहर के नहर में जल में खड़े हो गए और काफ़ी देर तक खड़े रहे
मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी सूचना मैं उच्च अधिकारी तक पहुँचाऊंगा और आपकी जो मांग है उन पर पूर्णतः गौर की जाएगी। देहरादून वन विभाग टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद बुलदार को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 माह से शहर के शहस्त्रदारा रोड और रायपुर क्षेत्र की कॉलोनियों में गुलदार का आतंक बना हुआ था। आए दिन कॉलोनी में गुलदार देखे जाने की घटना सामने आ रही थी, जिसके बाद आज सुमनपुरी कॉलोनी में सुबह गुलदार ने सुमित नाम के युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद गुलदार एक घर में घुस गया, जिसे देख आसपास के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जहां वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैकुलाइज कर पकड़ लिया। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। हाँ, ये काफी दिनों की मेहनत थी यहाँ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे काफी हम लोगों ने मेहनत की और बहुत सर्च ऑपरेशन करने के बाद और लोगों का भी बहुत सहयोग था, पुलिस के सहयोग से भी हम लोगों ने इसको लोकेट किया यहाँ मित्तल वेडिंग पॉइंट पे। उसके बाद वहाँ ट्रैंकुलाइज करने के बाद रिलोकेशन इसका यहाँ पे करके फिर हम लोग अब इसको सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज करके ले जा रहे हैं।